हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कितनी प्यारी प्यारी सुबह हो रही है और हम लोग आ गए हैं रवल स्टेशन में। भैया नींद पूरी होगी तुम्हारी? हाँ हमारी भी होगी, मैं रात भर जगी हूँ, ठीक है ना। तो शान मामू अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, हमारी ट्रेन आ गई, ओके बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने लखनऊ स्टेशन में। बहुत ज़्यादा धूप गर्म था यार, हालत ही ख़राब हो गई है, बहुत गर्मी हो रही थी और सुबह से पानी तक नहीं पिया जब से घर से निकले हैं। बॉटल ली नहीं थी, लेती भी तो गर्म हो जाती है और फिर पूरे रास्ते ना कोई पानी वाला आया भी नहीं। पता नहीं कैसी ट्रेन है और कैसा माहौल है। चलिए फ्रेंड्स पहुँचते हैं, सबसे पहले पानी पिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लिफ्ट की सहायता से आ गए हैं मेट्रो स्टेशन में। यहाँ से भैया पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे हमें। वैसे ही ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हैं, खाया पिया कुछ भी नहीं हम लोगों ने। चलिए फ्रेंड्स और गर्मी के मज़े लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं। ओके वैल्यूबल आप भैया आलू का पराठा पापा के लिए मंगवा दें। और भी पूछ लेते हैं। हाँ देखते हैं पापा, आज हम लोग का बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग पापा जी के साथ। तो कहाँ हो गया, अब तो पक्का डालू बना। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आए हैं बाहर, हॉस्टल के बाहर में ये कैफे है और इस पे फैज की नज़र पड़ी है। हमारा फैज ऐसी चीज़ें देख लेता है तो पापा जी भी यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं फैज बहुत खुशी। तो अभी हम लोग ये कैफे में लेके आया है, यहाँ पर पापा जी और फैज को कुछ ऑर्डर किया है। मुझे तो बस ड्रिंक चाहिए, मैंने शिकंजी ऑर्डर की है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितनी देर में आते हैं। ओके तो आज पापा जी के साथ हम लोग आए हैं बाहर। और पापा जी, हाँ और पापा जी बोल रहे हैं कौन उस डरा दी। हाँ नहीं डालूंगी, नहीं डाल रही है, अभी इनको बता। ये मिक्स कर दीजिए, ठीक है। मसाला अच्छी है, मिक्स अच्छी मिक्स कर दीजिए। मसाला अच्छी कौन सी, मिक्स कर दीजिए। दो मिक्स कर दीजिए और एक कोल्ड कॉफ़ी कर दीजिए। और ये आगे फ्रेंड्स मेरी कोल्ड कॉफ़ी ये ले लेंगे, कोल्ड कॉफ़ी है ना। ये आ गया पापा का बहुत ही अच्छा आलू का पराठा, इनको याद आ गई है मम्मी जी की कि मम्मी जी कैसे बनाती थी। गरम गिलास कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है। अच्छी है, मैं ज्यादा अच्छी बनाती हूँ, लेकिन इतने बड़े ग्लास है स्ट्रो इन लोगों को वो वाला देना चाहिए राउंड वाला। मम्मा जी कद्दू का तो कैफे है। नहीं कैफे तो अच्छा है, कैफे तो बहुत अच्छा है। ओके
अच्छे हैं। गर्मी में बस लगता है यही पीते रहो, ठंडा ठंडा। अभी वहाँ पे आम का पन्ना पिया था, अभी शिकंजी पी रहे हैं। मैंने अपने लिए ऑर्डर नहीं किया, मुझे सिर्फ ड्रिंक चाहिए होता है गर्मी में। बता दिया था ना कि भैया इससे में इसके और पीछे में घर हवा हो जाएंगे, यहाँ पता नहीं पाएंगे, वहाँ वहाँ लगे रहते हैं वहाँ सब लोग हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं। कल लाइक बता रही है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी ठीक हो जाइए, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए, मम्मी अब इंशाल्लाह कल हो सकता है डिस्चार्ज कर दे डॉक्टर, और उनको मौधा के हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, तो वहीं पे इंशाल्लाह मिलते हैं मम्मी से। आप लोग सब दुआ कीजिएगा मम्मी के लिए, मम्मी ठीक हो जाएंगे। और मम्मी ने खुद बोल दिया लाइक करिए, एक बार फिर से मम्मी लाइक करिए। हाँ देखिए मम्मी बोल रही है लाइक करिए। गाड़ी में घूमना है ना, पहले स्कूटी चला लेता है मम्मी जी। हाँ पहले स्कूटी चला लेता है, पर गाड़ी में घूमना है ना। फ्रेंड्स बहुत जल्दी घूम लेते हैं, बस हमने कुछ नहीं खाया है, इसलिए अभी हमने बिरयानी ऑर्डर की है, मुरादाबादी एंड हैदराबादी। ये अभी मुरादाबादी एंड दिस इज द हैदराबादी। ये एक प्लेट हो गया, ये चटनी खाई की मंगवाई, चटनी वटनी कुछ नहीं मिला क्या? सब है। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं लखनऊ स्टेशन में, चारबाग रेलवे स्टेशन। आपका हार्दिक स्वागत आपका हार्दिक स्वागत करता है। खाने में दाल चावल पराठा सब्जी मटर पनीर स्वीट है और अच्छा 120 बड़ा वाला नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर, और बहुत ही अच्छा सफर रहा। घर पे बताते हैं क्यों अच्छा सफर रहा, देखते हैं। मुझे देखो फ्रेंड्स, मेरे जहर को पता है कि बुआ तो रेसर हैं। जायमा ने पूछा कि बुआ आप चला ले, जायमा ने पूछा आप चला लेती हैं बाइक, तो जहर ने बोला अरे कि बुआ तो रेसर हैं, दो बार प्राइज भी जीती है, मैंने देखा था। और फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं लखनऊ से, घर पे आके हम लोग फ्रेश हुए, खाना खाया, और अब एक
न्यूज़ आई है कि हमारी खाला की जो बेटी है शिवा, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल उसको। मुझे बताएं बड़े पापा की फ्रेंड्स निकलते हैं। भैया बाइक हटाइए। अरे वो आपकी ट्रेन में था, वो ट्रेन में आया तो सीधे वही बांधा निकाला। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया मेरा, मेरी आँख लग गई, मैं सोती रह गई। कल इतना थक गई थी मेरे सफ़र की, बहुत गर्म था और काफ़ी थकान हो गई थी मुझे, और वहाँ से ऑलरेडी हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। जब हम घर आए उसके बाद में खाना खाने के बाद में हम शिवा के बेटे को देखने के लिए गए, क्योंकि उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है। खाला शिवा खाला की लड़की है हमारी, और वो लोग थे नहीं यहाँ पर बांदा में, वो लोग एडमिट थे सब पूरी फैमिली को। उनको पता नहीं क्या फूड पॉइजनिंग हुआ है, लू लगी है, क्या हो गया है कि खाला शिवा और उनकी छोटा बेटा बांदा में एडमिट है, और ये बड़े वाला की तबीयत यहाँ पे ख़राब हो गई, तो यहाँ पर फिर उसको एडमिट किया। तो बस फिर इन सब चीज़ों में बहुत लेट हो गए हम, वहाँ से काफ़ी लेट आए, 12:30 तक तो शायद वही गया था, उसके बाद ही आए हैं। और फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग की और मेरी आँख लग गई, मैं सो गई, तो इस वजह से मैं ब्लॉग एंड भी नहीं कर पाई, और आज ब्लॉग भी लेट हो गया है, तो बस सॉरी। तो फ्रेंड्स, मम्मी जी की तबीयत अब पहले से बेहतर है, और बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी तबीयत, वो ठीक थी मौदा में, और फिर वो कानपुर गई थी मेरी छोटी वाली देवरानी के पास में, तो बस उनका पैर टूट गया, और तो उनको लखनऊ एडमिट किया गया, और लखनऊ जाना पड़ता है, काफ़ी दूर हो जाता है। देखो इंशाल्लाह अब जब वो यहाँ आ जाएंगी मौदा, तो उनके लिए भी सही रहेगा और सबके लिए सही रहेगा। फ्रेंड्स, कल का वापसी का सफ़र तो मेरा इतना अच्छा रहा शुरू की वजह से, मेरी छोटी जो भाभी है सरवरी, माशाल्लाह अल्लाह पाक उसे खूब अच्छा रखे, सलीम को अच्छा रखे। तो बात ये हुई थी कि हम लोग का रिजर्वेशन स्लीपर में हुआ था, टिकट नहीं मिल रही थी, तो स्लीपर में भैया का, मेरा और फैज़ का था, और उनका एसी में था रिजर्वेशन। तो जब मैं स्टेशन पहुंची हूँ, सरवरी भी डायरेक्ट स्टेशन पहुंची है अपने घर से यहाँ मौदा आने के लिए, कल हम लोग के साथ ही आई है, तो उसने मेरी हालत देख के बोला कि नहीं बाजी, हम लोग घर से ही आ रहे हैं, आप दिन भर वहाँ बाहर सफ़र में थी, हॉस्पिटल में थी, तो आप एसी में जाएंगे। और उसने सीट चेंज कर ली, और बेचारी और अपने बच्चों को लेके पूरे गर्मी में सफ़र, पूरी गर्मी में वो स्लीपर में ही आई, और मुझे उसने एसी में आराम करने दिया, अल्लाह पाक उसे खुश रखे। काफ़ी मैंने उनसे कन्विंस किया कि नहीं तुम लोग सब आ जाओ यहाँ पर, जैसे तैसे टिकी से बात करके बैठेंगे, लेकिन करी नहीं है, ऐसे नहीं होगा, आपको आराम नहीं मिलेगा, आप जाइए और सीट में आराम कीजिए सरवरी सिद्दीकी बन के। तो बस फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऐसे सीट एक्सचेंज कर ली, और उसके बाद में इतने आराम से, लेकिन पूरे टाइम में दुआएं देती रही उन लोगों को, तो अल्लाह पाक ऐसी भाभियां सबको दे। बड़ी भाभी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कितनी अच्छी हैं, मैं अभी कितने से रह रही हूँ, और छोटी भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ऐसी फैमिली सबको दे मालिक सब। और तो चलिए फ्रेंड्स, हाथ दर्द हो रहा है, मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लेट हो गया है, तो अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।